अच्छे से रखो यार, भूसा मत भरो। और नहीं तो क्या बेटा, कैसे भर दिया भूसा? अच्छा कैसे भर दिया? नहीं सही रखा, अच्छे से लगा दिया। गर्मी वाले कपड़े बाहर आ गए। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज दिन है मंगलवार और आज महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत ही पावन पर्व है। आज हर मनोकामना हमारी पूरी होती है आज के दिन व्रत रहने से, और मन को भी बड़ी शांति मिलती है। तो आई होप कि आप सबने भी आज फास्ट रखा ही होगा। तो देखिए, हमने फास्ट तो रखा है, लेकिन फास्ट के साथ साथ में हमने ये कितना भयंकर वाला आज फैलाव फैला लिया, जो कि समेटते समेटते आज हम बहुत ज़्यादा थक गए। एक्चुअली हुआ ये कि पति जी आज थोड़े लेट जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि उनसे थोड़ा ऊपर के ड्रॉर में, आपने इसे पहले देखा होगा पहली क्लिप में, कि वो कपड़े निकाल रहे थे, कपड़े रख रहे थे, तो जो रजाई वगैरह ब्लैंकेट वगैरह जो थे वो सारे के सारे रखवा दिए, और गर्म कपड़े जो कोई भी हैं सारे के सारे एक बैग में पैक करके, उनका तो काम ख़त्म हो चुका है तो उनको सबको पैक करके रख देंगे। और जो गर्मियों वाले कपड़े थे वो बाहर निकाल लिए हैं, जब भी उनका कोई काम नहीं होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो उनको एक बैग में पैक करके ऊपर वाले ड्रॉर में हम रखवा देते हैं, जो हमने ये जो अलमीरा बनवाई है ऊपर, और पति जी रख देते हैं, और जब इनको कोई यूज़ होता है तो निकाल लेते हैं। तो आज उन्होंने निकाल दिए, तो हमने जो कपड़े, ये जो गर्म गर्म कपड़े हैं सारे सर्दियों वाले, इनको अलग कर रहे हैं, सारे कपड़ों को अलग कर रहे हैं। और ऊपर से सौम्या ने कुछ कपड़े और सेफ में से निकाल दिए हैं, हम लोगों के पार्टी वेयर कुछ कपड़े हैं जो हमें सारे के सारे लगाने हैं। पूरा पूरे 1.5 से 2 घंटे लगे हैं हमें ये सब कपड़े लगाने में, बट हाँ बहुत टेंशन फ्री भी हो गए। सबके कपड़े अपने अपनी जगह पे, अपने अपने ड्रॉर में पहुंच गए, बच्चों के, पति जी के, मेरे, सौम्या के, हम सब लोगों के कपड़े अपनी अपनी जगह लग गए सही से। और हम बहुत थक गए थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा रेस्ट की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी मस्ती चल रही थी थोड़ी सी, फूल मंगाए हुए थे हमने पति जी से, जो कि हमें फूल माला बनानी थी। और यहाँ कुछ फ़नी जोक्स हैं जो कि पति जी हमें दिखा रहे हैं उनके फ़ोन में। तो हम लोग यहाँ पे फूल माला बना रहे थे, कुछ दरवाजे पे लड़ी एक लगाने के लिए, और कुछ मंदिर पे लगाने के लिए, कुछ शिव जी और पार्वती मैया के छोटे छोटे वरमाला जो बनाए जाते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ हम लोगों की फुल मस्ती भी चल रही है, कोई काम करते करते मस्ती हो तो मज़ा ही अलग होता है। तो ये जो गाना हम लोग गा रहे थे, ये हमने और सौम्या ने मिलकर बनाया था, इसके बोल लिरिक्स हम दोनों ने तैयार करे थे। और देखिए यहाँ पे हम दरवाजे पे ये फूल माला लगा रहे हैं, और पति जी ने चेयर को पकड़ रखा है। वो बोल रहे थे कि मैं नीचे से खड़ा खड़ा लगा दूंगा, बट मेरी ज़िद थी कि हमें ही लगाने हैं, तो उनका मजाक भी बना रहे थे, पूरी देश को कैप्चर करा जाए। वाह बाबू, कितने सुंदर लग रहे हैं, कपड़े पहन के।
सौम्या ने बोला था कि माँ इस बार हम लोग छोटे सी सही बट जयमाला करवाएंगे, तो हमने कहा जैसा ठीक समझो, बच्चे हैं वो इस यही छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे, उनका मन लगेगा पूजा पाठ में, इसलिए मना नहीं करते हैं, वो जैसे करना चाहें बस करें अच्छे से, वो भले ही खेल खेल में बट उन्हें करना चाहिए, तो हम मना नहीं करते हैं। उसने दो छोटी छोटी सी जयमाला बनाई थी, एक शंकर जी के लिए बनाई थी और एक गौरा पार्वती मैया के लिए, और नेक्स्ट ईयर तो वो कुछ ज़्यादा ही अलग स्टाइल में कुछ धमाका करके शिवरात्रि मनाने की प्लानिंग कर रही थी। तो हमने बोला चलो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, तो इस बार फिर भी उसने यहाँ पे जयमाला का प्रोग्राम कराया। अभी अब देखेंगे, तालियां वालियां सब बजी हैं बच्चों की जिद है तो उसमें हम मना भी नहीं कर सकते, बच्चों को खुशी, अगर बच्चे खुश हैं तो भगवान भी खुश हैं, आप सभी जानते हो ये बात। तो देखिए ये छोटी छोटी जयमाला हैं जो सौम्या ने बनाई है। तो जी हमारे पास गौरा मैया की मूर्ति नहीं थी, इसलिए एक पोस्टर मंगवाया था और उसको पति जी ने वॉल में स्टिक कर दिया, तो सौम्या ने जयमाला एक दूसरे को पहनवा दिया। और यहाँ पे हमारी आरती भी हो चुकी है, आरती निपट गई हमारे अच्छे अच्छे से हंसते खेलते हुए, और लास्ट में हम शिव चालीसा भी बोलेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। ने अपने शंकर जी के लिए खीर बनाई है और शंकर जी लगा दिया है, खिला दिया है हमने शंकर जी को कि उन्हें खीर क्यों ज्यादा पसंद रही है। हाँ तो आज उनका स्पेशल दिन था इसलिए उनकी फेवरेट चीज बनाई है, आज हमने खीर बनाई है और उन्हें खिला दिया, और हमने हम लोगों ने अच्छे से उनकी पूजा कर ली, और शादी की सालगिरह में जयमाला का जो फंक्शन था वो भी निपट चुका है। तो अब हम लोग उठते हैं, खाना ना बनाने की तैयारी करते हैं। बोलो हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। एक बार हमें चालीसा बोलना भी चाहिए क्योंकि कल बोला था हमने, फिर भी आज उनका दिन है तो बोलना चाहिए। शांति रख लो। श्री गणेश गिरजा सुगन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छारल वस्त्र खाल बागंबर सोहे। छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मात के अभी दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी, करत शूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुंचयकारी, नंद गणेश सोहे ते कैसे। मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणरायु। या छवि को करी जात नकायु, देवन जब ही जाए पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिधि तुम ही जुहारी, तुरत सनानन आप पठायु। लवन मेष मेहमान गिरायु, महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रसाद तो खाना भूल गए गाइस, प्रसाद तो खाना भूल गए। ये प्रसाद के लिए लड़का यहाँ पे खड़ा होता है आके। भाई पूजा नहीं करते हो तुम, पूजा तुम्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्रसाद खाते हो। पर शादी कराते नहीं, सबको मिलना चाहिए ना प्रसाद, थोड़ा होता है बड़ा नहीं होता है। तो जी यहाँ पे 7 बज रहे हैं और बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन का टाइम है उनका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और आलू की सब्जी। आलू को बॉईल करके पनीर मिक्स करके बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो देखिए हमने पनीर कट कर लिया, उसको फ्राई कर लिया। यहाँ पे हमने एक साबुत इलायची, लकड़ी और तेज़पत्ता डाला। उसके बाद इसमें हमने अपने यूजली मसाले जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो डाल दिए, लहसुन प्याज वगैरह, हरी मिर्च पीस कर, अदरक वगैरह। और यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्च डाल दी और टमाटर काट के डाल दिए। अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, नमक डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छे से फ्राई कर लेना है इस मसाले को, इसमें और भी मसाले हैं बच्चों के वो भी डाल देंगे। हमारा धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और गरम मसाला पाउडर। इसके बाद में जो हमारे आलू और पनीर थे उनको दोनों को एक साथ में डाल देना है और 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए भूनना है। इसके बाद आप जितना जितनी ग्रेवी चाहो उस हिसाब से पानी डाल दो। ये देखिए गाइस, हमने गैस ऑफ कर दी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, पनीर और आलू की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, एक बार ज़रूर इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है ये। इसे रोटी से, पूरी, पराठे के साथ आप किसी के भी साथ बहुत ही मज़े ले लेकर खा सकते हो।
खीर बहुत टेस्टी बनती है जब हम शंकर जी के लिए बनाते हैं, बहुत ही मस्त खीर बनती है। पति जी को गैस बन रही है, पति जी को बहुत भयंकर वाली गैस बन रही है। देख सकते हो आप लोग। अरे यार बाबू, थैंक गॉड की गैस, थैंक गॉड की ये गैस सिर्फ पति जी के ऊपर से ही निकलती है, नीचे से नहीं निकलती, वरना हम तो पागल हो जाते। प्लीज हुआ पति जी को हम चटनी बना बनाए खिलाते जिसकी वजह से गाइस आज बहुत ही तगड़ी गैस बनी हुई है हमारे। ओम जिंदगी। ये हमारे हमारे आदरणीय जीजा जी जो है, ये उनका ही बोला हुआ शब्द है कि ओम जिंदगी, ओम जिंदगी। हाँ, तो एक दो बार मैंने उनके मुंह से सुना, हमने तो नहीं सुना, नहीं मैंने सुना है तो अच्छा लगता था, तो हम भी करने लगे ओम जिंदगी, नकल करने लगे, कॉपी कर ली इनने, कॉपी करने लगी ओम जिंदगी। हाँ हम भी बोला करेंगे ओम जिंदगी। सही है, नौ की शिवरात्रि की पूजा बहुत ही मस्त रही, अच्छी रही है, मजा आया हम लोग सब लोगों को। बस हमारे थोड़ा गैस बन गई है। क्या किया? कुछ नहीं। इतनी सारी चूड़ियां पहनी है, कैसी लग रही हैं प्लीज जरूर बताइए। और गाइस मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी जो मैडम जी का कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुपर लगता है हर प्लेटफॉर्म पे, हर चीज में। तो मिलते हैं आप लोगों को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम जिंदगी, हर हर महादेव।